हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग HURL में जो वैकेंसी आई हुई थी JEE मैकेनिकल पोस्ट के लिए, तो उसका एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे। इसमें टोटल सीट था मैकेनिकल का 21, तो इस वीडियो में एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे और वीडियो के लास्ट में एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे। इसमें केमिकल का 39 सीट था, ये फ्रेशर के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का 15, इस्टीमेशन का 15 सीट था। तो मैकेनिकल का इसमें एग्ज़ाम एनालिसिस देखते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आया हुआ था, जिसके लिए 2 घंटे टाइम मिला था और एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर और गलत होने पे 0.25 नंबर नेगेटिव मार्किंग था। एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पे 0.25 नंबर कट जाएगा। और इसमें टेक्निकल के 55 क्वेश्चन थे और 45 नॉन टेक्निकल के। नॉन टेक्निकल में 20 मैथमेटिक्स मतलब FT के, 5 इंग्लिश, 10 रीजनिंग, 10 GK और करेंट का था। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। टेक्निकल का लेवल मॉडरेट था और नॉन टेक्निकल का लेवल इजी था। क्वेश्चन का जो लेवल आया हुआ था नॉन टेक्निकल का इजी था और टेक्निकल का क्वेश्चन का लेवल का मॉडरेट था। तो नॉन टेक्निकल में FT में ट्रेन, पाइप, डे वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम से आया हुआ था क्वेश्चन। इंग्लिश में स्पॉट एरर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था। उसके बाद जीके में ये क्वेश्चन आया हुआ था एक फॉरेस्ट रिजर्वायर से, मधुरमई। उसके बाद CAG का फुल फॉर्म, IOC का फुल फॉर्म, एक इंडेक्सिंग से था, कृष्णा ताप्ती रिवर से क्वेश्चन था एक। उसके बाद कारखाना और काम से था, आत्मसभा का स्थापना से था, ग्रैंड टेक रोड की शुरुआत से था कुछ, नरम दल गरम दल, कांग्रेस सीजन इन विच ईयर। उसके बाद टेक्निकल का देखते हैं। टेक्निकल में कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट, साइकोमेट्रिक चार्ज था, टेम्परिंग प्रोसेस, मोनल मेटल कंपोजिशन, मोस्ट टफ टूल मटेरियल, ब्रास इन एलॉय ऑफ। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद आए तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बतला सकते हैं या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इस PDF में उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, उसके बाद अपडेट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। रीऑर्डर्ड लेवल इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन था। उसके बाद ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट एंड स्मॉल कंप्रेसर से कोई क्वेश्चन होगा ये। उसके बाद ये RAC का टेम्परेचर बढ़ाने से हार्डनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। FCC क्यूबिक लैटिक रेडियस से क्वेश्चन था। हार्डेस्ट मटेरियल पूछ रखा था, इसमें ये विकल्प भी दे रखा था जिस कैंडिडेट ने शेयर किया ये क्वेश्चन। उसके बाद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से था, ये मशीन डिजाइन से था, क्वार्टर द शेयर स्टेट दे रखा। उसके बाद ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा ये। वेलोसिटी रेशियो दे रखा था, तो ये कैम फ्लोर का क्वेश्चन है, तो कैम फ्लोर से क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये मशीन डिजाइन से था, विच की वर्नी प्रोवाइडेड ऑन हब, COP से एक क्वेश्चन था। ब्रिटेन साइकिल्स के बारे में पूछ रखा था। उसके बाद टर्बाइन नोजल, एक्सेल फ्लो टरबाइन से था, ये इन्वेंट्री कंट्रोल इंडस्ट्रियल का एक क्वेश्चन है। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू, ये RAC से था कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं, एक कैंडिडेट से मैंने बात किया था, उसका ऑडियो सुनते हैं। साइकिल से आपका था, BCRA साइकिल से था, ब्रिटेन साइकिल से था आपका, और टूल से था, टूल से कुछ क्वेश्चन था, टूल्स मशीन टूल से था। अगर आपका हो गया, ये हो गया न्यूमेरिकल नहीं था, वैसा 2-3 था, वो भी बहुत शॉर्टकट था। वेलोसिटी रेशियो का एक था न्यूमेरिकल, और आपका पास्कल लॉ के ऊपर एक था न्यूमेरिकल, कितना एक तरफ फोर्स देने से कितना होगा, डायमीटर दे दिया था, ठीक है।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था, HCC का आपका एटॉमिक ई का एटॉमिक स्ट्रक्चर ई दे दिया था, रेडियस दे दिया था, HCC से क्वेश्चन था, और आपका और एक दो न्यूमेरिकल था आपका उसमें से, हीट का रेफ्रिजरेशन का था, ठीक है, उसके बाद आपका रेफ्रिजरेंट का दो दो रेफ्रिजरेंट का ये पूछा था, आपका नाम दे दिया था उसका, उनका नाम दे दिया था दोनों का, ट्राइफ्लोरो मोनोक्लोमिक उसका नाम दे दिया था उसका था, तो ये मिलाकर 55 क्वेश्चन था, मॉडरेट था, मतलब अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन रहा तो 45 प्लस अटेंड हो जाएगा, और जिसका अच्छा प्रिपरेशन वो तो देख करके ही आएगा, और नॉन टेक इजी था, नॉन टेक इजी था। करंट अफेयर सब दो चार तो कर ही देता, करंट अफेयर कभी कभी सबका लगता नहीं लगता, वो तो लक के ऊपर है जैसा है, और इन मैं एथमेटिक इजी था, मतलब इजी ही था, बहुत इजी था, नंबर सिस्टम से था, प्रॉफिट लॉस था, और कैलकुलेशन इजी में एवरेज निकालने का दे रहा था, इंग्लिश में आपका प्रीपोजिशन आर्टिकल एरर आइडेंटिफिकेशन, और रीजनिंग भी इजी था आपका, डायरेक्शन वाला था कुछ, और सीटिंग अरेंजमेंट था, बस ये सब के ऊपर। कितना अटेम्प्ट किया हम, मेरा तो नॉन टेक में तो हम कर दिए थे 45 में, मेरा 43 तक हो गया था, इसमें तो हो जाएगा लगभग ठीक ठाक ही था, और टेक में मेरा हुआ 46-47 का लगभग कुछ किया है, हम देखते हैं कट ऑफ अच्छा ही जाएगा, 85 प्लस जाना चल जाएगा, सीट भी तो उतना नहीं है, देखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो जनरल का कट ऑफ इसमें तो कैटेगरी वाइज दे नहीं रखा है कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, टोटल सीट के बारे में दे रखा है, तो मान के चलिए कट ऑफ 80 से 85 के बीच में ही रहना चाहिए, 100 में टोटल 100 नंबर का पेपर था। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद है तो इस वीडियो में कमेंट करके बतला सकते हैं, और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फ्रेंड।